हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज मैं मैगी का नया वेरिएशन लेके आई हूँ, विच इज़ मैगी इन पेरी पेरी सॉस। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैगी इन पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे ब्रोकली, मशरूम्स एंड अनियंस और इसे टॉस कर लेंगे। थोड़े बड़े बड़े ही काटना है वेजिटेबल्स को, ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना है हमें। उसके बाद मैंने बेल पेपर्स ऐड कर दिए हैं एंड स्वीट कॉर्न्स। इसे अच्छे से टॉस देने के बाद हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग के लिए मैंने डाला है इसमें नमक एंड ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। ऑरिगैनो की जगह आप कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड बेजल, पार्सले या फिर फ्रेश, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मिक्स हर्ब्स कुछ भी। अब इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक वाइट सॉस बना लूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून बटर एंड 3 टेबलस्पून मैदा, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बटर मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और अच्छे से चला लेंगे, ताकि पूरा लम्स फ्री हो जाए हमारी वाइट सॉस। पैरेलली मैंने 2 मैगी के पैकेट बिना मसाले के बॉयल होने रख दिए हैं। यहाँ पर मैं वाइट सॉस में ब्लैक पेपर पाउडर और नमक ऐड कर रही हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी वाइट सॉस इस कंसिस्टेंसी की बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बड़े मैगी पेरी पेरी मसाला डाला है, क्योंकि हम पेरी पेरी मैगी बना रहे हैं, तो उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला। आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कितना भी मसाला ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में मैंने थोड़ा और ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लगा, तो और हम इसे मिक्स कर लेंगे और बॉइल्ड मैगी को मैं इस सॉस में ऐड कर दूंगी। और पेरी पेरी की मसाले की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैंने फ्राइज़ पेरी पेरी फ्राइज़ की मैंने वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसमें मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। तो अब हम इसे मैगी को इस सॉस में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, पूरी मैगी का मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब जो हमने वेजिटेबल सॉटे की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमारी इस मैगी को बहुत ही अच्छा सा कलर देगी और बहुत ही कलरफुल बना देगी। लग रही है ना बहुत अच्छी कलरफुल, ग्रीन, येलो, रेड। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से मिक्स करें और ज़्यादा उसे नहीं चलाएं, नहीं तो मैगी टूट जाएगी। तो यहाँ हमारी मैगी रेडी हो गई है, बहुत ही ऑसम लग रही थी। अगर आप मैगी के साथ कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।